नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। और कक्षा 12 के लिए अर्थशास्त्र की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और शुरुआत में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र से शुरुआत करी है और उसका हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 परिचय। और आज है बच्चों उसका कौन सा लेक्चर है, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और 2 हमने कवर कर लिया है, हमने समझ लिया है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, हमने समझा है कि कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है। अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है गुरु जी वो बता दीजिए। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है ना, और फिर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन पढ़ेंगे, फिर इसमें 3 अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनके हम लोगों को चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है यहाँ पर कि हम ये समझे तो सही कि इकोनॉमी क्या होता है या अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद ये बात जरूरी है कि जब हमें समस्या पता चल चुकी है कि भाई ये केंद्रीय समस्या है, ये प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और जैसे मान लीजिए कि भाई हो सकता है कि आज एक ही प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी नज़र में और कुछ है, आपकी नज़र में और कुछ है, और दूसरे की नज़र में और कुछ है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे जो 3 समस्याएं थी, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसको वितरण करें, ठीक है, इन तीनों समस्याओं का जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है जिनको हम लोग समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, तीनों अर्थव्यवस्था अपने अपने हिसाब से इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। आज उन्हीं 3 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। हम पहले पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर हम बात करेंगे पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, और फिर तीसरे पर हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवा करके जाऊंगा, जिस टेबल में आपको संपूर्ण पूरा समझ में आ जाएगा कि समस्याएं क्या क्या है और तीनों अर्थव्यवस्थाओं के जो समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है या इकोनॉमी क्या होती है, और फिर इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर चलेंगे, इकोनॉमी के टाइप्स पर चलेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा या संरचना बनावट से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ठीक है, किसी भी प्रकार का सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक संगठन हो या ढांचा हो या संरचना हो, संगठन या ढांचा संरचना बनावट का मतलब क्या होता है, एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, एक बार पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत वैधानिक तरीके से कानूनी रूप से लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिनसे कि उनको धन की प्राप्ति हो रही है, वो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, और आर्थिक क्रिया करके अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब अपने जीवन को चला रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा ही नहीं होगा, अगर आर्थिक क्रिया नहीं करोगे, आपके पास कोई काम धंधा नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो कैसे पूरी होगी, हमें कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, कैसे हमें अच्छी शिक्षा सुविधा मिलेगी, किस प्रकार से हम हमारे जीवन को बेहतर बना पाएंगे, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो काम करना जरूरी है, और काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें आय की प्राप्ति होती है। पर वो काम कैसे होने चाहिए बच्चों, वो होने चाहिए वैधानिक तरीकों से, लीगल। अर्थव्यवस्था में क्या बोला गया है कि वो एक पूरा सिस्टम है, वो पूरी एक बनावट है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से, लीगल तरीके से क्या करते हैं, काम धंधा करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो वैधानिक तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति है ना स्मगलिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो हम उसको कहेंगे सब आर्थिक क्रिया है, ये वैधानिक नहीं है, ये लीगल नहीं, कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना कोई गलत नहीं, पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, ये वैधानिक है। कोई किसान खेतीबाड़ी करता है वो वैधानिक है, भारत सरकार ने, भारत के संविधान ने, भारत की कानून व्यवस्था ने उनको ऐसे अवैध काम घोषित नहीं कर रखे। तो अब इसी अर्थव्यवस्था को जब हम लोग देखते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में हम लोग 3 क्षेत्रों की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि पशुपालन आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, इंडस्ट्री सारी आ जाती है, और तृतीयक क्षेत्र में जो सारी सेवाएं सर्विसेज है वो आ जाती है। इसीलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था है। अब हर देश की एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है, उनका एक अपना सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था का सीधा सा शॉर्टकट इतना सा मतलब है कि भाई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे लोग वैधानिक तरीकों से, लीगल तरीकों से क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
अब आते हैं टॉपिक पर, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। ये जितने भी जो आर्थिक क्रियाकलाप है, मतलब ये जितने भी जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी आर्थिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, वह खेती बाड़ी का हो रहा है या कोई बिजनेस चला रहा है या कोई पढ़ा रहा है या डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, ये जो भी कोई भी आर्थिक काम हो रहा है उसका आयोजन कौन करता है, उसका आयोजन कौन करता है। और इसी आधार पर हम लोग तीन अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। एक होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कि ये जितने भी आर्थिक कार्यक्रम है, ये आर्थिक क्रियाएं जो हो रही है, इन क्रियाओं को कराने वाला कौन है, इनका आयोजन कौन है, कौन आयोजित करवाता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे भाई आज आप स्कूल में जा रहे हैं, आप स्कूल में गेम्स खेलते होंगे, तो क्या होता है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। साहब इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, तो टूर्नामेंट कौन आयोजित करवाता है? भाई हो सकता है सरकार की तरफ से हो रहा हो सकता है कोई बड़ी स्कूल की तरफ से हो रहा हो, किसी की तरफ से तो आयोजन होता ही है ना, किसी की तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए घर में कोई फंक्शन होता है और कुछ होता है, तो फंक्शन कौन आयोजित कर रहा है, कौन करवा रहा है वो फंक्शन? हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारे घर में है। तो ये क्या है कि आयोजित, तो ये जितने भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उनका आयोजन कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है वो आर्थिक क्रिया, किसका कंट्रोल है उन आर्थिक क्रियाओं पर, उन काम पर किसका कंट्रोल है, सरकार का है या प्राइवेट व्यक्तियों का है, ये सब कुछ हम अभी आगे के लेक्चर में, आज के लेक्चर में आगे जानेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप की आधारभूत समस्याओं को या तो उन व्यक्तियों के निर्बाध अंत क्रिया द्वारा किया जा सकता है जैसा कि बाजार में होता है, या सरकार जैसी किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जा सकता है। देखो अब जो आर्थिक क्रियाकलाप की जो आधारभूत समस्या है, आधारभूत समस्या क्या क्या थी मैं एक बार याद दिला दूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या थी कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। दूसरी समस्या क्या थी, चलो ये तय कर लिया कि क्या उत्पादन करना है, पर दूसरी समस्या ये थी कि कैसे उत्पादन करें, मानव का ज्यादा इस्तेमाल करें या तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें, कैसे उत्पादन करें। और तीसरा हमारा क्या था, किसके लिए उत्पादन करें या वितरण की समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन होगा वो हम लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल क्लियर करना होगा। तो हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनकी तीन समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। अब इन तीनों समस्याओं का समाधान जो है, इन तीनों समस्याओं की जो सॉल्यूशन वो हमें कहां से मिल सकता है, या तो जो उन व्यक्ति है, मतलब जो देश में व्यक्ति रह रहे हैं, उन सब निर्बाध अंत क्रिया द्वारा किया जा सकता है। निर्बाध का मतलब क्या होता है, फ्री, बिल्कुल इंटरेक्शन, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को जो खरीदना है बेचना है जो करना है वो करें निर्बाध, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है, बाध, तो बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब लोग फ्रीली एक दूसरे से जो खरीदना हो बेचना हो खरीद बेच सकते हैं। तो द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि बाजार में होता है, तो बाजार में हम लोग क्या करते हैं, भैया जाते हैं उस दुकान पर, उस दुकानदार ने वो बेचा मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये बेचा वो खरीद लिया, तो सीधी सी बात है हमारे बीच में फ्री इंटरेक्शन, हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा होता है। या अब एक तरीका तो ये हो गया, जो ये तरीका भी बताया है, ये कौन सी व्यवस्था आ जाती है, ये पूंजीवादी व्यवस्था आ जाती है जिसकी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। या तो प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है कि सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाए, जिन लोगों को जो बेचना है वो बेचे, जिन लोगों को जो खरीदना है वो खरीदे, जितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है उतना उत्पादन करा जाए, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई करी जाए, ये सारी बातें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि सरकार या जिसे हम केंद्रीय सत्ता कहते हैं, मतलब जो केंद्र में जो सेंटर में जो पावर बैठी हुई है जिसे जनरली केंद्र सरकार ही कहा जाता है, उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से, मतलब वेल प्लान, पूरी अच्छी तरीके से पूरी प्लानिंग कर करके वेल प्लान ढंग से किया जा सकता है। या फिर क्या हो, बाजार पे ना छोड़ करके सरकारें क्या करें, खुद अपने हाथ में ले और पूरी प्लानिंग कर करके इन तीनों समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अब हम एक एक जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। ये पूंजीवादी हो जाएगी, ये कौन सी है, ये समाजवादी है, ये समाजवादी है बेटा, ओके। चलिए अब हम लोग पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो अर्थव्यवस्था है उसको कहा गया केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब क्या कहा गया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत मतलब बिल्कुल केंद्र से, एक सेंटर पॉइंट से क्या होगी, सारी प्लानिंग बनेगी और वही पूरे देश पर चलेगी। इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसको आम भाषा में जो कहा जाता है वो कहा जाता है बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ओके। जैसे अब आपको नाम से ही पता चल रहा है समाजवादी, मतलब समाज के उत्थान के लिए ये व्यवस्था होगी। आप सभी ने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में मैंने बताया होगा कि
पहले पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जहां पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो निजी क्षेत्र का हुआ करता था, सब कुछ प्राइवेट वाले तय करा करते थे। पर प्राइवेट वाले क्या है, जो प्राइवेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने लाभ के लिए क्या करती है, मजदूरों का शोषण करती है, उनसे ज्यादा ज्यादा देर तक काम करवाती है, ऐसे जगह पर भी काम करवाती है जिनसे कि उनके शरीर को हानि होती है। तो फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स पूरी दुनिया को एक विचारधारा देता है, दैट इज द समाजवाद, कि सब कुछ क्या है, सरकार कंट्रोल करे, सरकार अपने अनुसार चलाए और जो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है जैसे कि मजदूर है उन लोगों के विकास के लिए काम करे, तो वो समाजवादी विचारधारा है। तो यहाँ पर सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा, सरकार के कंट्रोल में होगा। इस विचारधारा को याद करना और इस विचारधारा को समझना थोड़ा सा आसान है। समाजवादी विचारधारा किसके लिए, समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए होगी। समाजवादी विचारधारा में ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। सहसे समाजवादी, सहसे समाज के भले के लिए और सहसे ही सरकार, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, आइए अब इसको पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो इस अर्थव्यवस्था के तहत, इस अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सरकार या जो केंद्रीय सत्ता होती है, जो भी सेंट्रल पावर होगी, मतलब जनरली केंद्रीय सरकार होती है या केंद्रीय सत्ता, यहाँ पर आप मान लीजिए जिसका भी सेंटर में पावर हो, जैसे मान लीजिए भाई आर्मी का रूल चल रहा तो आर्मी का हो गया, राजा का चल रहा तो राजा का हो गया, जो भी केंद्रीय सत्ता बैठी हो वो, तो सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो उस अर्थव्यवस्था में जितने भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के हों, द्वितीयक क्षेत्र के हों, तृतीयक क्षेत्र के हों, उन सब की योजना कौन बनाती है, सरकार बनाती है या केंद्रीय सत्ता बनाती है। सरकार तय करती है कि इस बार खेती में इतना उत्पादन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बार जो बेचा जाएगा वो इतने पे बेचा जाएगा, इतने पे नहीं। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उन सब की जो महत्वपूर्ण योजना बनाने का काम करती है वो कौन करती है, सरकार करती है। और जब सरकार करे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें किसी चीज का पहले उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन करने के लिए कुछ उसके कारक होते हैं, कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं बेटा जो उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भूमि का होना, भूमि जरूरी है, श्रम जरूरी है, ठीक है, भौतिक पूंजी जो पैसा है वो सब कुछ जरूरी है, ये सब उत्पादन के कारक है। और इन उत्पादनों पर स्वामित्व किसका है, मालिकाना जो हक है, मालिक कौन है उनका, इस आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। अगर सरकार का हक है, सरकार का सारी जगह कंट्रोल है, सरकार सारी जगह मालिक बन के बैठी है, तो समाजवादी व्यवस्था है। और अगर कोई प्राइवेट वाला मालिक है, प्राइवेट सेक्टर मालिक है, कोई कंपनी मालिक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा जो कंट्रोल होता है, सब कुछ जो तय करने का काम होता है वो सरकार का होता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, कि उत्पादन कितना होगा, कितना प्रोडक्शन करना है। देखिए अब हमारा सवाल क्या थे कि क्या उत्पादन करें, तो कौन तय करेगा कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, सरकार तय करेगी, साहब इस चीज का पहले उत्पादन करो और इससे ज्यादा उत्पादन मत करना, बस इतना ही करना है। उसका विनिमय मतलब उसका आदान प्रदान जो करना है, ठीक है, मतलब किसके लिए, किसको बेचा जाए, किसको दिया जाए, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सरकार तय करेगी। उपभोग से संबंध, कौन सी वस्तु है, कौन उपभोग करेगा, किसको दे, ये सब कुछ कौन तय कर रहा है, सरकार तय कर रही है। मतलब आप क्या उत्पादन करोगे, क्या मार्केट में बेचोगे, क्या लोग उपभोग करेंगे, ये सारे जो फैसले लेने का काम होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। जनरली समाजवादी जो व्यवस्था है वो चीन जैसे देश में देखी जाती है, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल है वो सरकार का है। परंतु चीन भी बाहर से विदेश की कंपनियों को बुलाता है, पैसा इन्वेस्ट करवाता है, ठीक है, तो पर कंट्रोल जो है सरकार का काफी ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो लगाई है। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। तो वह केंद्रीय सत्ता या जो सरकार है वो संसाधनों का विशेष विनिधान कर सकती है, मतलब जो संसाधन है उनको बांट सकती है, संसाधनों का एलोकेशन कर सकती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे संसाधन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका सरकार क्या कर सकती है, बंटवारा कर सकती है। जैसे क्या, आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि सरकार के पास 1 करोड़ रुपए है और सरकार ने क्या करा कि साहब 20 करोड़ रुपए इस बार खेती बाड़ी पे खर्चा करा जाएगा, 40 करोड़ रुपए इस बार उद्योगों पे खर्चा करा जाएगा, 10 करोड़ रुपए इस बार शिक्षा के क्षेत्र पे, 20 करोड़ रुपए जो है या 20 लाख जो भी व्हाटएवर 1 करोड़ बोला है या 100 करोड़, तो उस अकॉर्डिंग वो एक क्या है, बंटवारा करेगी, भाई इतना इतना पैसा हम इन इन जो हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों को हम यहाँ यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ यहाँ यूज करेंगे। तो क्या करती है, यहाँ पर सरकार संसाधनों को विशेष रूप से विनिधान कर देती है, सरकार विशेष रूप से संसाधनों को बांट देती है। और किस प्रकार से बांटती है, इस प्रकार से बांटती है कि वो पूरे समाज के लिए वांछनीय हो, मतलब वो पूरे समाज के काम आ सके, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक कंपनी के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए काम आ सके। तो इसलिए समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किस
उनका उद्देश्य क्या है, क्यों वो काम करती है, उनका काम का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है कि समाज का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। तो पूरे समाज के लिए जो वांछनीय होगा, जो पूरे समाज के लिए जरूरी होगा, जो पूरे समाज के लिए सही होगा, वही यहां पर केंद्रीय सरकार करती है। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब जैसे मान लीजिए कि भैया कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब जो पूरे देश के लिए बड़ी ही जरूरी, बड़ी आवश्यक है, भाई ऐसी वस्तु या ऐसी सेवा जो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो अब उसका कंट्रोल कौन करेगी, सरकार कंट्रोल ले लेगी, सब हम संभालेंगे, क्योंकि सबके लिए जरूरी है, हर वर्ग के लिए जरूरी है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तु तथा सेवाओं को उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं का तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए भाई शिक्षा है, शिक्षा बड़ी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य सेवा भी सबके लिए जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु या सेवा जो जरूरी है, पूरे समाज के लिए वांछनीय है, तो वो अगर पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं करी जा रही है, अगर वो उतना जितनी लोगों को आवश्यकता है, जितनी लोगों को जरूरत है, अगर वो उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो सरकार क्या है, दो काम कर सकती है। सरकार एक तो ये कर सकती है कि वो खुद उस चीज का उत्पादन करे, भाई अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं कर रही है, या सब लोगों तक प्राइवेट की अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो सरकार क्या करेगी, खुद सरकारी स्कूल खोल देगी, नहीं तो सरकार क्या करेगी कि लोगों को मोटिवेट करेगी कि साहब आप इस क्षेत्र में आकर के निवेश करिए, आप स्कूल खोलिए, सरकार आपको आदेश देती है, सरकार आपको सहयोग करेगी, आपको सरकार सस्ते में जमीन देगी, सरकार आपको कम जो है आपसे टैक्स लेगी, आप इस क्षेत्र में करिए। तो सरकार दो प्रकार से सहयोग कर सकती है, तो उन लोगों को प्रेरित कर सकती है कि साहब आप इस फील्ड में आइए, नहीं तो सरकार खुद उत्पादन कर सकती है। तो यहाँ पर सामाजिक समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो इस प्रकार से काम करती है कि पूरे समाज का, पूरे देश का भला होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी वस्तु या सेवा है जो पर्याप्त मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए सरकार या तो खुद निवेश करेगी, खुद पैसा लगाएगी, नहीं तो किसी को कहेगी, आप उनको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी कि साहब आप इस क्षेत्र में पैसा खर्च करिए। दूसरे परिपक्ष में यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी वस्तुओं को तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का नियोजित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर परेशानी थी उत्पादन वाली कि क्या उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे। अब जितना उत्पादन करा वो लोगों के लिए कम पड़ रहा है, तो सरकार ने और मोटिवेट करा कि नहीं साहब और उत्पादन करा जाए, नहीं तो फिर हम करेंगे। और यहां पर जो दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट है, वो ये देखिए कि कितना वितरण करना है, किसको वितरण करना है। तो अगर समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको जितना भी उत्पादन करा गया है उसका हिस्सा बहुत कम मिल रहा है, या कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर सरकार क्या करती है, केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप डालकर करके क्या है, उन लोगों तक वो वस्तुएं भी पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि सरकार का यहां पर उद्देश्य है, जो सरकार का एम है वो क्या है, सामाजिक कल्याण है, समाज का भला करना है, तो मिशन का नियोजित हिस्सा देने का कार्य करती है। जो नियोजित हो, मतलब जो बिल्कुल सही हिस्सा हो, वो देने का काम सरकार करती है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, या फिर हम उसे आम भाषा में जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और यहां पर जो लिखा गया है उसका मतलब है मार्केट इकोनॉमी। ओके, चलिए तो अब इस मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह बाजार अर्थव्यवस्था, में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। तो अब बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप है, जो सरकार का जो कंट्रोल है, वो कम से कम होता है, और सब कुछ क्या है, बाजार के अनुसार चलता है, जैसा बाजार कहता है वैसा। अब बाजार का अर्थ क्या है वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो ज्यादा उत्पादन कर देंगे, कम डिमांड कर रहे हैं तो कम उत्पादन कर देंगे। भाई आज आप डिमांड करोगे नहीं सर ट्वेल्थ की इको लाओ, ट्वेल्थ की इको लाओ, ट्वेल्थ की इको लाओ, तो मैं ट्वेल्थ की इको पढ़ाऊंगा। ज्यादा बच्चे करो नहीं सर पढ़ाओ ही, तो पढ़ाऊंगा। कम डिमांड है तो नहीं पढ़ाएंगे, कम सप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या होता है बाजार अर्थव्यवस्था में, जो बाजार की स्थितियों के अनुसार काम होता है कि भाई बाजार में अगर मांग ज्यादा होगी तो ज्यादा उत्पादन करा जाएगा, अगर बाजार में मांग कम है तो कम उत्पादन करा जाएगा। तो सब कुछ बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। और जैसे पहली समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, तो बाजार जो मांग रहा है वो उत्पादन करो, जो लोग मांग रहे हैं, जो लोगों की डिमांड है वो उत्पादन करो, सीधी सी बात है। दूसरा, कैसे उत्पादन करा जाए, तो बोले भैया यहाँ पर है मामला प्रॉफिट कमाने का। सरकार समाज के कल्याण की सोच सकती है, पर हम समाज के कल्याण की नहीं सोच सकते। यहाँ पर जो उद्देश्य होता है बाजार अर्थव्यवस्था का, वो होता है बेटा लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है,
कि भाई जो जिस भी चीज का मैं उत्पादन करूं उसमें मेरा खर्चा कम से कम लगे। तो अब अगर मैं किसी चीज का उत्पादन करने में अगर मशीन से मेरा कम खर्चा आ रहा है तो मैं मशीन का इस्तेमाल करूंगा, और मजदूर का काम लगाने से कम खर्चा आ रहा है तो मैं मजदूर का इस्तेमाल करूंगा। तो सब कुछ यहाँ पर बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सब्जी का बाजार आपको दर्शाया। अब आइए पहले जान लेते हैं कि बाजार होता क्या है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंत क्रिया प्रदान करती है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंत क्रिया प्रदान करता है। मतलब सीधी सी बात यह है यहां पर कि बाजार एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्थान आप मान लीजिए जो क्या करता है, जो लोग आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करते हैं, मतलब ये आर्थिक क्रिया करते हैं, उनको फ्री इंटरेक्शन का मौका देता है, मतलब मिलने का मौका। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बाजार वह स्थान है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मिलेंगे। बाजार वह स्थान है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मिलेंगे, बेचने वाला भी होगा और खरीदने वाला भी होगा। तो दोनों को बिल्कुल क्या है, फ्री इंटरेक्शन का मौका दिया जा रहा है। कोई बीच में नहीं है, सरकार बीच में नहीं है, कोई बीच में नहीं है। आपकी इच्छा हो जो खरीदना हो खरीदो, जो बेचना हो वो आपको बेचो। तो ऐसे स्थान को बाजार कहा गया। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट या व्यवस्था जो है। तो बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है, समुच्चय है, जहां आर्थिक अभिकर्ता, अभी आर्थिक अभिकर्ता क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सके। अभी आर्थिक अभिकर्ता क्या है, आर्थिक अभिकर्ता, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा इकोनॉमिक एजेंट। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एजेंट। ये हम कहां पढ़ेंगे, ये माइक्रो का जो है, सॉरी मैक्रो, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट, या इसको आर्थिक एजेंट भी कहा जाता है, या इसको आर्थिक अभिकर्ता भी कहा जाता है। तो ये इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, जो निर्णय लेने वाली, जो निर्णय करने वाला हो वो इकोनॉमिक एजेंट है। आज निर्णय एक व्यक्ति को भी करना पड़ता है, साहब मुझे ये खरीदूं या ना खरीदूं, एक परिवार को भी करना पड़ता है, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है या मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, मैं कितना खरीदूं कितना करूं, सब कुछ हमें हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ता है। यहां पर एक इकोनॉमिक एजेंट सरकार भी हो सकती है कि वह सरकार तय करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, एक परिवार भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जो निर्णय करने वाला हो उसी को क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिकर्ता या इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता है। तो यहां पर बाजार क्या है, बाजार एक ऐसा है जहां पर जो आर्थिक अभिकर्ता है, जो इकोनॉमिक एजेंट है, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनको मुक्त रूप से बिल्कुल फ्री अपना धन और अपने उत्पाद का निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मतलब चाहे अपने पैसों का और चाहे अपने वस्तु और सेवाओं का निर्बाध बिना किसी बाधा के आप आदान प्रदान कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, हम बाजार मानते हैं। वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। अब देखिए भौतिक स्थल का मतलब क्या है, फिजिकल, ठीक है भाई, जो फिजिकल जगह हो, जैसे आज आप लोग मार्केट में जाते हो, ठीक है, आज आप मार्केट में जाते हो तो वो तो क्या है, एक भौतिक स्थल है, वो तो एक फिजिकल प्लेस है। तो लोग सामानों को, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एक भौतिक स्थल पर, एक फिजिकल जगह पर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, बिना मिले तो कैसे काम होगा, तो ऑनलाइन मार्केट है ना, ऑनलाइन में क्या आप किसी स्थान पर जाकर के, फिजिकल स्थान पर जाकर के मिल रहे हो, किसी जगह पर जाकर मिल रहे हो, नहीं ना। तो ऑनलाइन जो मार्केट है ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये भी मार्केट है, ये भी बाजार है। आज जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई कुछ बेचने के लिए आता है, जैसे सब्जी का थैला लेकर के वो लोग आते हैं तो वो बेच रहे हैं। अब उस स्थान पर भी क्या हो रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो भी बाजार हो गया। जरूरी थोड़ी बाजार का अंदर वहां बड़ी बड़ी दुकानें हो या और कुछ हो, ठीक है, वो बाजार थोड़ी भाई। जैसे आप देखिएगा गली गली मोहल्लों मोहल्लों में क्या होता है कि लोग गैस को रिपेयर करने वाले आते हैं कि भाई गैस रिपेयर करा लो, गैस रिपेयर करा लो। अब वो आपके वहीं आकर के आपका गैस रिपेयर करके जा रहा है, आपको सेवा देकर के जा रहा है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी बाजार बन गया भैया। तो बाजार तो एक ऐसा स्थान है जहां पर जो आर्थिक अभिकर्ता है, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनको बिल्कुल अपनी क्रिया करने के लिए फ्री है, वो मुक्त है, चाहे अपना धन का आदान प्रदान करो, अपनी वस्तु सेवा का आदान प्रदान करो, वह स्थान ही क्या बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन क्या हो गया, मार्केट हो गया। तो फिजिकल प्लेस पर तो मिल नहीं रहे, ऑनलाइन मिल रहे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा मार्केट हो जाएगा।
नोट बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। तो सीधी सी अगर एक आम भाषा हम बाजार की लेकर के चलें तो यह भी बाजार की सही परफेक्ट परिभाषा बैठेगी कि बाजार का स्पष्ट लक्षण, आप बाजार को कैसे पहचान सकते हो बाजार है या नहीं है, जिसमें लोग निर्बाध रूप से, ये निर्बाध यूं लिखा जाएगा बेटा, निर्बाध रूप से मतलब बिल्कुल फ्री होकर करके आप अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ऐसे स्थान ऐसे काम को हम बाजार मान लेते हैं। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। तो देखो कोई भी तंत्र, तंत्र का मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, ठीक है, और उसका सुचारू रूप से संचालन, सुचारू रूप से संचालन का मतलब क्या है, सही तरीके से वो चलता रहे, ठीक है, कोई भी सिस्टम कोई भी व्यवस्था है तो वो सही प्रकार से सही तरीके से चलती रहे, तो अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में क्या हो, समन्वय हो। तो और ये जितने भी उस तंत्र उस सिस्टम के जितने भी घटक हैं उन सब में क्या हो, तालमेल होना चाहिए। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है भाई, आज जैसे मुझे एक बात बताइए, आज देश है, देश में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, सरकार भी है, ठीक है, आम जनता भी है, सरकार के पास भी कुछ पावर है, जनता के पास भी कुछ अधिकार है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, हमारा पूरा ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आज अच्छे से चलता है, तो उस अच्छे से चलने का सिस्टम में एक तो उसका जो आधार है वो संविधान है, संविधान गाइडेंस दे देता है कि भाई ऐसा करना ऐसा करना, और ये जितने भी हमारे वर्ग हैं, सरकार या जनता है, इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए ना भाई, सरकार और जनता के बीच में भी तालमेल होना चाहिए। अगर जनता रोज जाकर के सड़कों पर बैठ जाएगी तो अच्छा काम थोड़ी होगा भाई, सरकार को काम तो करने दो, और सरकार हमेशा ही जनता के खिलाफ काम करेगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और इस तालमेल के बीच में क्या कारण है कि वो तालमेल हो, कुछ तो कारण होगा जो तालमेल का होगा, तो बस यही मार्केट में भी वही बात आनी चाहिए। वे कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती हैं? तो ये जो पूरा एक बाजार की सिस्टम है, ये जो पूरा बाजार व्यवस्था है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करते हैं? तो कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी, कीमत। कीमत ही बेचने और खरीदने वालों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करती है। अगर कीमत ना हो तो सब अव्यवस्था हो जाएगी। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है। तो आप कोई भी बाजार में जाइए, आप कुछ वस्तु खरीदिए या कोई सेवा खरीदिए तो उसकी एक तय कीमत होती है। कीमत क्या है, जिस पर क्रेता, ठीक है, खरीदने वाला और विक्रेता, बेचने वाला दोनों में सहमति हो जाए, वह कीमत है। तो कोई ऐसा प्राइस या ऐसी वस्तु की उसकी कीमत है जिसपे भाई खरीदने वाला तैयार हो कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं और बेचने वाला बेचने को तैयार हो, तो वो क्या हो जाएगी, कीमत मानी गई। क्रेता तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों का जनरली क्या है, इन्हीं कीमतों पर विनिमय होता है, या आदान प्रदान जिसको कहा गया है वो होता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि भाई कीमत एक ऐसी होनी चाहिए जिस पर खरीदने वाला खरीद सके और बेचने वाला बेच सके। हमेशा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो बेचने वाला है उसके जितना खर्चा आ रहा है उससे कम में तो वो बेचेगा नहीं। आज मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु का निर्माण कर रहा हूँ और मुझे उस वस्तु को बनाने में ही मेरा ही खर्चा 500 रुपये आ रहा है, तो मैं उसको पागल तो होनी 450 में बेचूंगा, कम से कम मैं 700 तक बोलूंगा। फिर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं भैया थोड़ा कम करो, तो लास्ट एक 650 तक मैं लेकर के आ जाऊंगा, पर उसके नीचे नहीं, मुझे भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, मैं भी वहां मार्केट में बैठा क्यों, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ हूं। तो रेट एक ऐसी होनी चाहिए कि भाई ना तो उपभोक्ता को बुरा लगे कि नहीं नहीं साहब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है। अब ऐसा है कि भाई 500 की आपकी लागत है और आप मांगो 2000 रुपए, तो वो बेकार है, 2000 तो उपभोक्ता देकर के भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कीमत एक ऐसी बीच की सी होती है जिसमें उपभोक्ता खरीदने को तैयार है और विक्रेता बेचने को तैयार है, जो कि बेस्ट प्राइस होती है। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए समाज क्या है, किसी वस्तु या सेवा का क्या है, मूल्यांकन करता है, इवोल्यूशन करता है, उसकी मूल्य देखता है, तो उसकी वैल्यू देखता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। जब उसका मूल्यांकन करता है ना, तो उसी हिसाब से उसकी कीमत हो जाती है। भाई आज आप लोगों ने वो काफी एग्जांपल्स आप सुनते होंगे कि नहीं साहब मेहनत करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे अपनी वैल्यू बढ़ाइए। तो हम चाहे कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो, कुछ भी हो, हम क्या है उसका, हम ये मूल्यांकन करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसका इवेल्यूशन करते हैं, हाँ साहब इसकी वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू के हिसाब से हम उसका क्या है पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, उसकी कीमत तैयार करते हैं। आज कार जो है वो 1 से 1.5 लाख में भी आती है और कार 1 करोड़ में भी आती है, कहीं ना कहीं तो उन दोनों कारों के बीच में बड़ा डिफरेंस होगा ना। दोनों की जो डिफरेंस ही है उसका कुछ वैल्यू करा गया कि नहीं सब इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इसकी वैल्यू है।
तो हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं की वैल्यू करते हैं कि हाँ नहीं साहब ये वैल्यू है, और फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग पैसा देते हैं। आज काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें आप देखिए सुबह से लेकर के 3-4 बजे तक रखते हैं, वहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स भी खिलाया जाएगा, स्विमिंग भी सिखाई जाएगी, एक्स्ट्रा जो वर्क है वो भी करवाए जाएंगे, सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट या कंप्लीट विकास कराने की कोशिश वो स्कूल्स कर रहे हैं। तो अब वो क्या है कि वो अपनी स्कूल्स की वैल्यू दिखा रहे हैं, देखिए साहब हम बच्चे का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट करेंगे, पेरेंट्स को भी लगता है हाँ यार होगा, तो अब हम उन स्कूल्स में ज़्यादा पैसा देने को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, हम उसका मूल्य आंकने का काम करते हैं कि यार इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। आप आज एक बात बताइए, जो चाय है ना, चाय का अगर आप कहीं पर पिएंगे ना तो 5 रुपये की वह चाय मिलती है, आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास जाएंगे ना वही चाय 10 से 15 रुपये की मिलती है, और उसी चाय के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बैठेंगे वही चाय 25-30 रुपये की या 50-50 रुपये की मिलती है। अगर वही चाय आप किसी बड़े 3-स्टार 5-स्टार होटल में पीते हैं तो उस चाय की कीमत 500-1000 रुपये तक हो जाती है। मैं पूछता हूँ ऐसा चाय में था क्या, चाय तो वही थी, उसी दूध का प्रयोग हुआ होगा, उसी चाय पत्ती का प्रयोग हुआ होगा, उसी शक्कर का प्रयोग हुआ होगा, उसी अदरक का प्रयोग हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं जो अदरक एक 5-स्टार होटल में डाली जा रही है वो अदरक भाई साहब पता नहीं कौन से मंगल ग्रह से तोड़ करके लाएंगे, वो भी पृथ्वी पर ही होगी होगी और उसी प्रकार से होगी होगी और यूं ही टेढ़ा मेढ़ा सा शेप होगा उसका, वही अदरक है साहब। परंतु वहाँ क्या है, उस चीज़ की वहाँ वैल्यू है, उस होटल की वैल्यू है, उस जगह की वैल्यू, हम वाह इतना बड़ा होटल। अब आज तक आप देखिएगा सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी व्यक्ति है ना वहाँ थपड़ी पे बैठ करके फोटो नहीं खींचे, आज मैंने 5 रुपये की चाय पी, कभी नहीं खींचे करके फोटो डालेंगे, कभी हम इमेज अपलोड नहीं करते। पर अगर मान लीजिए हम एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में भी चले गए, उसका बर्थडे अच्छा सा डेकोरेशन हो रहा है, 3-4 पिक लेंगे, चाहे चाय एक ही लियो पर 4-5 पिक, आज मैंने इस बड़े वाले होटल में चाय पी, मैंने मेरे दोस्तों के साथ ये वो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इस जगह की वैल्यू क्या है और वैल्यू के हिसाब से ही हम पैसा दे रहे हैं नहीं। और आप ये चीज भी देखिएगा, अगर हम कहीं चाय की दुकान पर पीते हैं वो बोलता है यार भैया 10 की हो गई चाय, अरे कैसे हो गई 10 की यार, तो कल तक तो 5 की दे रहा था, ऐसा होटल में जाओ सर चाय 100 रुपीज, ओके ओके ले आइए। हम वहां नहीं करते क्योंकि हमें पता है वैल्यू है इस जगह की। तो हम व्यक्ति जनरली वस्तुओं का और सेवाओं का क्या है, वैल्यू देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, और जितनी ज्यादा किसी चीज की वैल्यू होती है ना उसका क्या है कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। आप ये चीज पर्सनली खुद पर भी लगा करके देखेगा, हमेशा हमें हमारी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में हमारे पास 100% नॉलेज होना चाहिए, हम उस फील्ड के मास्टर होने चाहिए। जैसे ही हमारी वैल्यू बढ़ती है हमारी कीमत बढ़ जाती है साहब, हमारी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप अपनी फील्ड में मास्टर हो तो अगर आप उस व्यक्ति से घंटे का 1 लाख भी मांगोगे ना वो आपको 1 लाख रुपया भी देगा, क्योंकि आपकी वैल्यू है साहब मार्केट में, आपकी वैल्यू है। और वैल्यू का मतलब क्या है कि उस वस्तु में उस चीज में या आप में कुछ तो गुण है जो दूसरों में नहीं है, वो गुण पैदा करना है। तो यहाँ पर मार्केट व्यवस्था को भी समझो और अपनी वैल्यू को भी समझो बेटा। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अब पता चला लोग यार भैया बहुत डिमांड कर रहे हैं है ना, अब अपने तो चर्चे सारी तरफ है, जब ज्यादा डिमांड हो रही है तो क्या होगा, लो साहब ज्यादा कीमत लेंगे, अब ज्यादा पैसे लेंगे हम, अब हमें क्या है पैसे ज्यादा चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु की ज्यादा डिमांड करता है मतलब जरूरत है मेरी उस वस्तु की, जरूरत है लोगों को, जरूरत है, तो उत्पादक सोचेगा यार मार्केट में तगड़ी डिमांड चल रही है, ज्यादा जरूरत है, अपन भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, कल तक ये चीज 5 की बिकती थी आज 6 में बेचो, क्योंकि लोगों को खरीदना है, लोगों की डिमांड है। तो अधिक मात्रा की अगर मांग होगी तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ये उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये वस्तु के जो उत्पादक है जो प्रोड्यूसर, उसको एक संकेत दे दिया जाता है कि भैया तुम जितना उत्पादन कर रहे हो उससे ज्यादा की डिमांड अब जनता कर रही है, और ज्यादा की डिमांड जनता कर रही है मतलब आप ज्यादा उत्पादन करो, और ज्यादा उत्पादन तो करो सो करो, उसके साथ साथ कीमत भी बढ़ाएगा वो, क्योंकि उसको पता चल गया साहब मेरी वैल्यू है, मेरी चीज की वैल्यू है, और मेरी चीज की वैल्यू है इसलिए लोग खरीद रहे हैं, तो भाई मैं क्यों सस्ते में बेचूं, लो भैया ये लो भैया पैसे, ठीक है। आज जैसे कोचिंग्स की मैं आपको बताता हूँ, जब एक व्यक्ति कोचिंग को शुरू करता है ना वो बहुत सस्ते में पढ़ाता है, बहुत सस्ते में पढ़ाता है, और जब उसी कोचिंग का बहुत बड़ा नाम हो जाता है, बहुत हाई लेवल पर वो कोचिंग चली जाती है, उस जो कोचिंग वाला महीने की 500 फीस लिया करता था आज वो महीने की 5-5 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, ठीक है, लाखों में आज पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि आज उसका नाम हो चुका उस कोचिंग का, उस जगह का वैल्यू बढ़ चुकी है और वैल्यू बढ़ेगी। डिमांड है कि नहीं नहीं सब पढ़ना तो वहीं से, सब पढ़ना तो वहीं से, मतलब उसकी वैल्यू है, कुछ तो बात है उस सेवा में, वहां की सेवा में तभी तो वैल्यू हुई। और वैल्यू हुई और लोगों ने नहीं पढ़ना तो यहीं से, तो मालिक ने कहा नहीं नहीं साहब हम तो 100 बच्चों को पढ़ाते। बोले नहीं 100 को नहीं, आप 3 को पढ़ाओ। बोले ठीक है भाई, ज्यादा खर्चा होगा, लाओ ज्यादा पैसा दो मुझे, मुझे ज्यादा पैसे से। तो उत्पादक क्या कर देगा, ज्यादा मात्रा को बढ़ा देगा, और मात्रा को बढ़ा देगा इसका मतलब वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकता है, तो वस्तु के उत्पादन को बढ़ा देगा, और उत्पादन बढ़ाएगा मतलब मूल्य भी बढ़ाएगा। इस प्रकार वस्तु तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। तो ये जो वस्तु और सेवाओं की जितनी भी मांग होती है, पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, ये संकेत है, उत्पादक के लिए संकेत है, उपभोक्ताओं के लिए संकेत है, और इसी के आधार पर, नहीं कीमतों के आधार पर ही क्या है, फिर पूरा बाजार तंत्र में समन्वय बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है। ठीक है, और ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी कि उपभोक्ता अपनी मांग को कब बढ़ाता है, ठीक है, और उत्पादक अपनी पूर्ति अपनी सप्लाई को कब बढ़ाता है, मांग ज्यादा होने से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और पूर्ति ज्यादा होने से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में आगे के साथ इन बातों को मैं लिंक करूंगा। आप बस एक काम करिएगा, वो यही है कि आप लेक्चर वन से मैंने जो आपको पढ़ाया ना बच्चों, वो लेक्चर वन से आप कंटिन्यूसली एक अच्छा सा रजिस्टर बना लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सको। मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। इसमें एनसीईआरटी का तो कंटेंट है, सो है एनसीईआरटी का तो जो कंटेंट है सो है, वो तो आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। पर एनसीईआरटी के साथ साथ जो दूसरी बुक्स है ना, उन दूसरी बुक का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और वो दूसरी बुक की क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी की बात आपको ना समझ में आए, वो आसान भाषा में आपको समझा दी जाए, और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बताना हो वो आपको बता दिया जाए। अर्थव्यवस्था की परिभाषा एनसीईआरटी में नहीं थी, मैं खुद लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। इससे पहले जो लेक्चर वन में मैंने आप लोगों को काफी कुछ पढ़ाया, वो एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं था। तो जुड़े रहिए, और एक मतलब आप लिंक करते हुए चलिएगा, चीजों को जोड़ करके रखिएगा। हमने चैप्टर वन में क्या पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तभी हम चैप्टर टू में जाएंगे तो आपको और भी मजा आएगा। चैप्टर वन में क्या पढ़ा वो भूल गए बस, तो फिर भूल के बैठ ही जाना। ओके, अतः है बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान, किस वस्तु का किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। तो ये जो कीमतें हैं, इनके द्वारा जो संकेत मिलते हैं उत्पादक को, उपभोक्ताओं को, उन्हीं के द्वारा क्या है जो हमारी समस्याएं थी उनका समाधान किया जाता है। क्या उत्पादन करें, तो बाजार किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, बाजार में इस चीज़ की ज़्यादा मांग है, चलो तो भैया इसी का उत्पादन करो। कितनी मात्रा में करें, कितनी डिमांड है, 100 की डिमांड है, 100 कर मांग करो। कैसे कैसे उत्पादन करना है, भैया मालिक में हूँ, मुझे प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, मजदूरों को लगाने में प्रॉफिट है, मजदूरों से काम करो। मशीन खरीदने में प्रॉफिट है, मशीन खरीद करके काम कराओ, ठीक है। किसको वितरण करें, भाई जो पैसे देकर के चले जाओ वो वितरण कर लो। आज किसी रेस्टोरेंट में जाकर के ये थोड़ी, साहब मैं गरीब हूँ मुझे 3 दिन से खाना नहीं खाया, खाना खिला दो, थोड़ी खिलाएगा, नहीं आगे बस साहब ये लो खाना खाओ, प्लेट लेकर लगाओ, पैसे दिए मैंने, जो पैसा देगा उसको वितरण कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, ये कैपिटलिज्म का है। अब तीसरी जो बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या जिसकी बात है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। तो अब यहां पर क्या है भाई, समाजवाद में सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में था, पूंजीवाद में या बाजार अर्थव्यवस्था में सारा कंट्रोल प्राइवेट के हाथ में, मतलब पूरा आपने बाजार पर छोड़ दिया, सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय है, डिसीजन लेने के काम है, वो सरकार के हैं, सरकार के हैं, और जो आर्थिक क्रियाकलाप होगा, मतलब जो कामकाज जो भी होंगे, वो सारे बाजार द्वारा ही करे जाएंगे, पर कभी कभार कुछ डिसीजन सरकार लेती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित क्यों, क्योंकि जो निर्णय लेने वाली पावर है सरकार की, वो समाजवाद का गुण दर्शाती है, और क्रियाकलाप जो बाजार में चल रहा है वो पूंजीवाद का गुण दर्शाता है, इसलिए दोनों को मिलाकर के एक नई अर्थव्यवस्था बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज की 21वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी देश है उन सभी में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ऐसा कोई सा नहीं है जहां पर समाजवाद या पूंजीवाद बिल्कुल कट्टरता के तौर पर है, सब में मिश्रित ही है। सरकार खुद भी डिसीजन लेती है, प्राइवेट के हवाले भी छोड़ देती है, साहब आप इन चीजों का उत्पादन कर लो, आप इनका उत्पादन कर लो। सरकार अगर जहां उत्पादन नहीं कर पाती है, सरकार अपना सेवा में ज्यादा योगदान नहीं दे पाती है, तो वो क्या करती है, प्राइवेट वालों को कह देती है साहब आप ये काम करो। भारत में देखिए, भारत में सरकार में आपको सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल सब कुछ भी देखने को मिल जाएंगे, पर प्राइवेट भी है। और जहां जहां सरकार को लगता है कि नहीं साहब इसमें प्राइवेट की और ज्यादा आवश्यकता है, तो सरकार और निवेश करवाती है, बाहर से बुलाती है, उत्पादन बढ़वाती है, जीडीपी बढ़ाने में एक बड़ा योगदान देती है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निर्णय सरकार करती है और सारे काम बाजार के अनुसार होते हैं, सरकार का एक बड़ा रोल इसमें होगा।
अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। बस फर्क हम यहीं से देखते हैं कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर सरकार का बिल्कुल ही कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर तो वो पूंजीवादी कहलाएंगी, ठीक है, फिर वो मिश्रित नहीं कहला सकते। सरकार का थोड़ा बहुत भी कंट्रोल आ जाता है तो वो मिश्रित में आ जाती है, और ज्यादा ही कंट्रोल है तो फिर वो समाजवादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, तो अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में ज्यादातर जो है वो प्राइवेट के हाथ में, इसीलिए हम क्या कहते हैं यूएसए को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस भी है, राजनीति विज्ञान भी है आपके पास, तो आप लोगों ने राजनीति विज्ञान में कक्षा 12 का शीत युद्ध वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा है यूएसए एक पूंजीवादी राष्ट्र है, पूंजीवादी देश है, तो वहां पर सरकार की जो भूमिका है वो कम से कम है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, अब क्लास 11th में हम लोगों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा है कि भाई भारत की एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्वतंत्रता के बाद नियोजन में, जो प्लानिंग करी है वो सरकार ने ज्यादा करी है। 1947 से लेकर करके 1991 तक जो ज्यादा कंट्रोल था भारत का में किसका था, सरकार का था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, 1947 से ही अनाउंसमेंट है साहब हम मिश्रित है, परंतु 1947 से 1991 तक भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हुए भी समाजवाद की तरफ ज्यादा झुका होता, मतलब सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। प्राइवेट वाले को एक फैक्ट्री खोलने के लिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, पर 1991 के बाद हम मिश्रित होते हुए आज पूंजीवाद की तरफ समाज ज्यादा झुका हुआ। आज सरकार ने अपना जो रोल है वो कम से कम कर दिया, सरकार अपना कम से कम हस्तक्षेप कर रही है। ये जो भारत का स्वतंत्रता से लेकर करके अभी तक का क्या सीन रहा है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई, तो पिछले 2 दशक देखें मतलब 21 साल, तो मैंने भी यही कहा 20-30 साल के बाद जो सरकार ने अपना क्या है तो रोल कम कर दिया है। ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे तस्वीर लगाई गई इस उसी वक्त इन्होंने ही नियोजन करा था, प्लानिंग करी थी, ठीक है। तो ये जो भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अब आज एक मैं आपको छोटी सी टेबल बनवाकर चला जाता हूं, जिससे कि आपको पूरी जो समस्या तीनों वो और तीनों जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से काम करती है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समस्या कहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। पहली समस्या क्या थी, क्या उत्पादन करें। दूसरी समस्या क्या थी, कैसे उत्पादन करें। और तीसरी समस्या क्या थी, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें या वितरण किसको। ये हमारी 3 क्या है समस्याएं। अब इधर जो मैं लिख रहा हूं वो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है, कि अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अर्थव्यवस्था में ये पूंजीवादी, फिर ये समाजवादी और ये मिश्रित। चलिए सबसे पहला जो सवाल है कि क्या उत्पादन करें, तो पूंजीवादी वाले जो है कैसे उत्पादन का सोचेंगे, क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं उत्पादन करना है, तो ये जो सब कुछ तय करते हैं वो लाभ और कीमत के अनुसार करते हैं, लाभ एवं कीमत के अनुसार। भाई लाभ किसमें ज्यादा होगा, कीमत किसकी ज्यादा होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों की मांग क्या है, तो ये इस आधार पर तय करते हैं कि लोगों की मांग क्या है। भाई ज्यादा मांग होगी इसका मतलब लोगों को चाहिए, और लोगों को चाहिए तो हमें अच्छा पैसा देंगे, लाभ होगा, तो सीधा सा तो ये तो भाई जनता क्या चाहती है उस हिसाब से। समाजवाद वाले कैसे तय करते हैं, समाजवाद वाले सामाजिक कल्याण के अनुसार, समाज का कल्याण किसमें होगा, सामाजिक कल्याण के अनुसार। भाई समाज का भला किसमें हो रहा, अगर समाज का भला जिसमें हो रहा हो उस वही काम करा जाए, ठीक है, अगर भाई ये वस्तु का उत्पादन करने से समाज का भला होगा तो समाज वाला ही काम करा जाए, लाभ आप तो कमाना नहीं, मेन जो यहाँ पे टारगेट है वो समाज का कल्याण, और यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो लाभ कमाना। मिश्रित वाले क्या करते हैं, मिश्रित वाले उचित संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उचित संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो लगभग तीनों में यही शब्द आ जाएगा, उचित संतुलन के द्वारा, ठीक है, वो ये देखते हैं कि भाई लाभ भी होना चाहिए और सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए लाभ ही लाभ का करते रहे तो फिर तो वो जो बेचारा गरीब है वो तो मर जाएगा,
और सिर्फ सामाजिक कल्याण की करते रहे तो प्राइवेट कंपनी है वो छोड़ देगी, बोले आप तो सरकार सब कुछ गरीबों को बंटवाने में लगा, फिर हम प्रॉफिट कब कमाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे एक दिन। फिर दूसरा है कैसे उत्पादन करें। अब कैसे उत्पादन करें तो इनका तो सीधा सा फंडा है, न्यूनतम लागत, लागत कम से कम होनी चाहिए, कम से कम लागत होगी उसी में ही हम उसी प्रकार से उत्पादन करेंगे। अगर मुझे किसी वस्तु को बनाने में मेरा मजदूरों पे कम पैसा लग रहा है तो मैं मजदूरों से काम करवाऊंगा, और मशीन से मेरा ज्यादा उत्पादन होगा और कम पैसा लगेगा तो मैं मशीन से उत्पादन करवाऊंगा। समाजवाद वाले क्या सोचते हैं, समाज वाले सोचते हैं कि सामाजिक तकनीक के अनुसार, सामाजिक आधार तकनीक के अनुसार, मतलब जो समाज के लिए भली हो, मतलब जर्नलिस्ट में क्या होगा, किसको चुना जाएगा, मनुष्य को चुना जाएगा, मनुष्य के द्वारा काम कराया जाता, क्योंकि नहीं तो अगर मशीनों का इस्तेमाल करा तो फिर मनुष्य बेरोजगार हो जाएगा, फिर सामाजिक कल्याण कैसा होगा। यहां पर तो फिर वही बात है, उचित संतुलन के द्वारा मशीनों का भी इस्तेमाल होगा और इसका भी इस्तेमाल। किसके लिए उत्पादन करा जाए तो किसके लिए उत्पादन करेंगे, उत्पादन में योगदाता के लिए, उत्पादन में योगदाता, उत्पादन में योगदाता का मतलब क्या है, जो उत्पादन में योगदान दे रहा हो, जो उत्पादन में योगदान दे रहा हो। उत्पादन में योगदान देने का मतलब क्या है कि भाई वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहा होगा, और किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहा तो पैसे कमा रहा होगा। तो सीधा सा ये कहना चाहते हैं जो पैसे कमा रहा है और जो हमें पैसे दे सकता है, ठीक है ना। आज भाई मैं आज सेवा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब मुझे ऐसा कोई रेस्टोरेंट वाला इसके आधार पर नहीं बिठा लेगा, हाँ साहब आप बैठ जाओ, नहीं पैसे दो और ले जाओ, तो सीधी सी बात यह है किसको वितरण करोगे, जो हमें पैसे दे सके। अब ये इतना डिफिकल्ट क्यों लिखा गया सर, तो अर्थ तो वही है ना, उत्पादन के योगदाता। अगर कोई उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है इसका मतलब कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं होंगे, जिनके पास पैसे नहीं है भैया अपन उनको नहीं बेचते, ठीक है। और ये क्या फिर दूसरा आ गया, समाजवाद वाले किसके लिए उत्पादन करें, ये उत्पादन के योगदाता के लिए करते हैं, ये समाज के लिए, ठीक है, समाज की जरूरत के अनुसार, समाज की जरूरत के अनुसार, समाज को जो आवश्यक होता है, समाज के लिए जो जरूरी होता है वो, और ये उचित संतुलन या उपयुक्तता के आधार पर कि भाई गरीबों में भी बटे और अमीरों को भी पा जाए। ये एक बिल्कुल आपको अच्छी सी टेबल मैंने बनवा दी है, ये टेबल आप बना लीजिएगा, आपको इससे समझ में आ जाएगा ये समस्या है, पूंजीवाद किस प्रकार से उस समस्या को सॉर्ट करता है, खत्म करता है, समाजवाद किस प्रकार से, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से, और ये समस्या खत्म होती है या नहीं। पर आज का लेक्चर जरूर खत्म हो गया है, और आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस कैसी चल रही हैं वो भी बताइएगा, और आप में से किन किन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस भी है वो भी बताइएगा, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है आर्ट्स एंड लर्निंग शेयर आर्ट्स का, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करिए और उस चैनल पे जुड़िए जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए, आज ये वीडियो आ रहा है कल ये वीडियो आएगा, तो प्लीज़ बच्चों उस पे जुड़िए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।